हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पार्ट 2 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज किसे कहते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं, जिनमें जान होती है, जो लिविंग होते हैं, ठीक है, जिनमें लाइफ होती है, तो उसे कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल के तौर पर है ह्यूमन बींग, यानी मानव जाति, उनमें जान होती है तो वो कहलाते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। फ्लोरा एंड फौना, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी, उनमें भी जान होती है, लाइफ होती है, वो भी बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसी तरह से फिशरीज, लाइफ स्टॉक और ऐसे दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें जान होती है, वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में। अबायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनमें लाइफ नहीं होती, ऐसे थिंग्स को हम अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, चट्टान में लाइफ नहीं होती इसलिए उन्हें अबायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। मेटल्स में लाइफ नहीं होती फिर भी हम उसका यूज़ करते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को अबायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है खात्मे के आधार पर, कोई भी रिसोर्स कितने दिन तक वो रहती है, कब उसका खात्मा होता है, इसके आधार पर रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। पहला रीन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है जिसे रीन्यू किया जा सकता है, जिसे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है फिजिकली, केमिकली या फिर मैकेनिकल प्रोसेस को यूज़ करते हुए। ऐसे रिसोर्सेज जिनको रीन्यू किया जाए, रिप्रोड्यूस किया जाए दोबारा से, ऐसे रिसोर्सेज को रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गए इनके सोलर और विंड एनर्जी, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, इनको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि सन है, तो सन रात के वक्त तो वो नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो हमें सूरज नज़र आती है, उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम ऑब्टेन करते हैं अपने कामों के लिए, तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसी तरह से विंड एनर्जी भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वाटर भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिन्हें रीन्यू या रिप्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पहला है कॉन्टीन्यूअस और फ्लो और दूसरा है बायोलॉजिकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीन्यूएबल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला है कॉन्टीन्यूअस या फ्लो, एग्जांपल इसके हैं विंड और वाटर, और दूसरा है बायोलॉजिकल, ठीक है। यहाँ पर बायोलॉजिकल नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, ओके। अब पढ़ते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। ऐसे रिसोर्सेज जिनका बहुत लंबे समय में जो बनते हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स मतलब जैसे कि पेट्रोलियम है, उन्हें फ्यूल के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, थीके? तो ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। ये एक बार जब यूज़ होते हैं तो दोबारा ये यूज़ करने के लायक नहीं होते, वे वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं जब यूज़ करने के बाद, ठीक है, तो इन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। अगर एग्जांपल पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि मालिकाना हक जो होता है उसके आधार पर रिसोर्सेज को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई बुक है और आपकी वो बुक है, आप उसके मालिक हैं, तो उस बुक पर किसका हक है, उस बुक का ऑनर कौन है, आप हैं, तो आपका उस बुक के ऊपर ऑनरशिप है, ठीक है। तो इसी तरह से रिसोर्सेज को ऑनरशिप के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज,
दीज आर ऑल्सो ऑन प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स। ऐसे रिसोर्सेज के ऊपर सिर्फ एक इंडिविजुअल का हक होता है। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनकी अपनी ज़मीन होती है और जिसे गवर्नमेंट उन्हें अलॉट करते हैं कुछ रेवेन्यू के पेमेंट पर, ठीक है। और कुछ ऐसे गांव वाले भी होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन होती है, जिनके वो मालिक होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं, ऐसे गांव वाले होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन ही नहीं होती। दूसरी तरफ जो अर्बन पीपल हैं, जैसे जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनके पास अपनी प्लॉट्स होती है, हाउसेज होती है और दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो प्लांटेशन हो गए, पास्चर लैंड्स हैं, पॉन्ड्स है, वाटर है, जो कुएं में जो वाटर है एक्सेट्रा। तो इन ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका हक सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है, एक इंडिविजुअल ही इनके मालिक होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहा जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। ये इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं जिनमें एक मेंबर के नहीं, एक इंडिविजुअल के नहीं, बल्कि किसी ग्रुप का हक होता है। जैसे कि अगर कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि घास चरने वाले जगह जिनमें बहुत सारे लोग अपने जानवरों को चराते हैं, घास खिलाते हैं, ठीक है। ब्यूरियल ग्राउंड्स हैं, विलेज है, विलेज के जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं। अब तालाब पर एक पर्सन तो उस पर हक नहीं जमा सकता, एक पर्सन का वो एक किसी एक इंडिविजुअल का वो पॉन्ड नहीं होता, कई मेंबर्स के वो पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं। और पब्लिक पार्क हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन पर किसी कम्युनिटी के मेंबर्स का ऑनरशिप होता है। जिस ऐसे रिसोर्स जिस पर बहुत सारे लोगों का हक होता है, बहुत सारे लोग उसके ऑनर होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है, उन्हें कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज कहा जाता है। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज यानी टेक्निकली अगर बात करें तो देश के जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं नेशन से जुड़े होते हैं, वो कंट्री के ही रिसोर्सेज होते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अब कंट्री को ये लीगल पावर होता है कि अगर पब्लिक के अच्छाई के लिए, पब्लिक के भलाई के लिए अगर वो चाहे तो किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो एक्वायर कर सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बींग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ऑन बाई सम इंडिविजुअल्स। आपने ये देखा होगा कि कभी रोड बनती है, कैनल्स बनते हैं, रेलवेज बनते हैं, वो क्या होते हैं, जब वो बनाए जाते हैं तो किसी न किसी इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी से होकर वो गुजरते हैं। तो वो जो भी एरिया आते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का अगर प्रॉपर्टी उस एरिया में आती है तो कंट्री को ये लीगल पावर है कि वो उस इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी को एक्वायर करे। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू अक्वायर लैंड। अब ये काम किसे सौंपा जाता है, ये काम सौंपा जाता है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर्ड होते हैं, वो ऐसे ज़मीन को एक्वायर करते हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन। जितने भी सारे मिनरल्स हो गए, जितने भी सारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जितने भी सारे फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, ज़मीन है जो हमारे कंट्री के अंदर है, और ओशियनिक एरिया 12 नॉटिकल माइल्स तक, मान लीजिए कि ये तट है और ये समुद्र है। अब ये जो समुद्र है इसके 22.2 माइल तक, इस पर किसका हक होता है, इसका ऑनर होता है कंट्री, ओके। ये जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं वो नेशन से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ओशियनिक रिसोर्सेज, जैसे कि ये तट है और ये समुद्र है, अब समुद्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो समुद्र के अंदर से ही पाई जाती है।
अब 200 जो नॉटिकल माइल के बाद या इसके बाद का जो भी हक होता है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का होता है। अब उनके परमिशन के बिना कोई भी एक कंट्री उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उसे यूज़ नहीं कर सकती है। उसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले उसे परमिशन लेना होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से। ओके, यहाँ पर एक हिंट दिया गया है, बॉक्स है, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशियन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडिया को ये राइट मिली हुई है कि वो 200 नॉटिकल माइल्स तक वो क्या कर सकती है, वो मैगनीज नोड्यूल्स को ले सकती है, उसका खनन कर सकती है, समुद्र के अंदर से उसे निकाल सकती है। 200 माइल्स के बाद भी वो उसे परमिशन मिली हुई है कि वो ऐसा कर सकती है। आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। अब आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है जो कि इंटरनेशनल है नेचर से। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर रिसोर्सेज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज, तीसरा है स्टॉक और यहाँ पर है रिजर्व्स। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। पोटेंशियल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी रीजन में पाए गए हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उन्हें अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है, यूज़ नहीं किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की तरफ जैसे कि राजस्थान और गुजरात हो गए, वहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के पोटेंशियल हैं, लेकिन अभी तक उनका जो यूज़ है ठीक से डेवलप नहीं किया गया है, उनका उन्हें ठीक से डेवलप अच्छी तरह से नहीं किया गया है, तो ऐसे रिसोर्सेज को कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे किया गया है, जिनके क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन कर लिया गया है यूज़ करने के लिए। द डेवलपमेंट of resources depends on technology and level of their feasibility, और वो resources जो है वो technology के ऊपर depend है और अपनी feasibility के ऊपर depend है। तो ऐसे resources जिनको technology की मदद से और अपने feasibility के according उन्हें use किया जाता है, उन्हें developed resources कहा जाता है। Stock, materials in the environment which have the potential to satisfy human need but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stocks। ऐसे materials जो environment में होते हैं उनमें इतना potential होता है कि वो human being के मानव जाति के ज़रूरतों को satisfy कर सके, लेकिन ह्यूमन बींग के पास वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि वो उस रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक रिसोर्सेज के रूप में मानेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गए, वाटर क्या है? वाटर दो गैसों से मिलकर बना होता है, पहला होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो एक एनर्जी का सोर्स है, एक एनर्जी का रिच सोर्स है, बट हमारे पास इतना एडवांस टेक्निकल नो हाउ नहीं है जिससे कि उसे इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके, इसलिए इसे स्टॉक के रूप में हम कहेंगे। नेक्स्ट है रिजर्व्स, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व्स की भी क्या है? एक तरह के स्टॉक है विच कैन बी पुट इनटू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, जिसे यूज़ किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से उसे यूज़ किया जा सकता है, बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन उनका यूज स्टार्ट नहीं किया गया है। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, और इनका यूज़ किस लिए नहीं किया जा रहा है? ताकि फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी तब उन्हें यूज़ किया जाए। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट presently it is being utilized only to a limited extent।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे कि रिवर का पानी है, रिवर वाटर है, उसको यूज़ किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के जनरेट करने के लिए, बिजली जनरेट करने के लिए, लेकिन उसका अभी प्रेजेंटली उसे कुछ ही कामों के लिए यूज़ किया जा रहा है। उस पानी को जमा करके रखा गया है ताकि फ्यूचर में उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किया जा सके। तो इस तरह से डैम के जो वाटर हो गए, फॉरेस्ट हो गए, इन्हें रिजर्व करके रखा गया है, जमा करके रखा गया है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहेंगे रिजर्व्स। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। थैंक यू।